इंदौर में विजयादशमी के उपलक्ष्य में आरएसएस द्वारा शहर के तमाम स्थानों पर पथ संचलन निकाले गए। नंदनगर में निकलने वाले पथ संचलन में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने पूरे देश के रहवासियों को दशहरे के उपलक्ष्य की शुभकामनाएं दी। इंदौर में प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी दशहरे के उपलक्ष्य में आरएसएस द्वारा पथ संचलन निकाले गए। इस वर्ष खास तौर पर नगर व शाखा पर पथ संचलन निकाले गए, जिसमें लाखों की संख्या में संघ के स्वयंसेवक के रूप में गणवेश धारण कर कदम ताल करते हुए पथ संचलन में शामिल हुए। तो वहीं नंदनगर की सीट शाखा स्तर पर निकाले गए पथ संचलन में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी सम्मिलित हुए और मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बुराई की समाप्ति और अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में दशहरे पर देश व प्रदेश के वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय हमेशा निकलने वाले पद संचलन में सम्मिलित होते हैं, इस वर्ष भी सम्मिलित हुए। विजयादशमी की सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यह बुराई को समाप्त करना और अच्छाई की बुराई पर जीत है, और मैं समझता हूं कि हम सब अच्छे कदम पर चलें, अच्छी प्रेरणा लें, अच्छी विचारधारा के साथ चलें, यही विजयादशमी का पर्व हमें प्रेरणा देता है।